हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और मुश्किल से चार पांच टॉपिक पांच टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी से डिस्कस करते हैं। और क्या डिस्कस करने वाले हैं, लेट्स सी। एक तो हम भारतमाला परियोजना के बारे में देखेंगे, दूसरा रेल ट्रांसपोर्टेशन और रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे राजस्थान के, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री उनके सामने क्या प्रॉब्लम्स हैं, और मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ये पांच चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये शुरू करने से पहले आज आपको पता है बहुत शानदार न्यूज़ है, और अराउंड 200 to 300 टेररिस्ट किल्ड इन बालाकोट बाई इंडियन एयरफोर्स। हमारी एयरफोर्स ने आज बदला ले लिया है, जो पुलवामा में अटैक हुआ था कश्मीर में, हमारे जो 44 जवान शहीद हुए थे। और ये है हमारा मिराज प्लेन, ठीक है, मिराज 2000। ठीक है, तो ध्यान रखना है इसके बारे में। खैर आगे बढ़ते हैं, भारत माला प्रोजेक्ट। ठीक है, भारत माला मतलब ये क्या है, रोड से रिलेटेड प्रोजेक्ट। आप देख सकते हो यहाँ पे रोड बना रखे हैं, तो आपको जैसे ही अगर ये प्रोजेक्ट के बारे में आए, भारत माला मतलब क्या है, जो इंडिया है उसको कवर मतलब चारों तरफ से क्या कर रहे हैं, मालासी पहना की कोशिश कर रहे हैं। मालासी मतलब चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रोड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मतलब बॉर्डर एरिया को क्या किया जा सके, सिक्योर किया जा सके, एज वेल एज बॉर्डर एरिया पर हम क्या कर सकें, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस के लिए अगर कोई परेशानी होती है, युद्ध जैसी कंडीशन भी आती है, तो वहाँ पर क्या सप्लाई कर सकें, मटेरियल को सप्लाई कर सकें। अब देखो, रोड जितना ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट होगा तो कंट्री उतना ही अच्छा ग्रो करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दिस प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू रोड। ठीक है, रोड से रिलेटेड डेवलपमेंट है, मतलब प्रोजेक्ट है ये। तो ओके, अब देखते हैं प्रोजेक्ट के बारे में, दो चार नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सारी चीज़ें लिख देना। एक तो ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफ रोड से रिलेटेड है, इसके तहत हज़ारों किलोमीटर रोड बनाया जाएगा, कहाँ पर, राजस्थान में, और उसके साथ साथ कई सारे बॉर्डर स्टेट्स ऑफ इंडिया, राजस्थान के साथ साथ जितने भी इंडिया के बॉर्डर स्टेट है, जैसे पंजाब, जम्मू कश्मीर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, इन सभी में क्या डेवलप किया जाएगा, रोड डेवलप किया जाएगा। और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए, स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीतिक रूप को ध्यान में रखते हुए, कि स्ट्रेटेजिक मतलब रणनीति, तो 1500 किलोमीटर के समथिंग रोड बनाया जाएगा, कहाँ पर, जो कि कहाँ से गुजरेगा, राजस्थान से गुजरेगा, और राजस्थान में भी बॉर्डर एरिया पाकिस्तान के बॉर्डर के समथिंग 1500 किलोमीटर रोड बनाया जाएगा भारतमाला परियोजना के तहत। ठीक है, दूसरा है भाई, देख सकते हो आप किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, रेल ट्रांसपोर्टेशन। देख रहे हो भारतीय रेलवे की कंडीशन क्या जबरदस्त कंडीशन है। ठीक है, मेरा भारत महान। ओके, ये रेल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में जानकारी लेंगे हम। ठीक है, और ये है जयपुर मेट्रो। ठीक है, आपको ध्यान रखना, राजस्थान में जयपुर मेट्रो कब चली थी, जून 2015, जयपुर मेट्रो। ओके ओके, रेल ट्रांसपोर्टेशन के बारे में अगर जानकारी करें, तो एक तो लार्ज क्वांटिटी देखा था फर्स्ट फोटो में, कैसे लार्ज क्वांटिटी को ये ले जाती है रेलवे, हैवी गुड्स भारी सामान को ले जाती है, और लंबी डिस्टेंस के लिए लैंड पर रेल ट्रांसपोर्टेशन क्या बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये चीपेस्ट है, बहुत सस्ता है, एज वेल एज बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। अब बात करें भारत में रेलवे की कब शुरुआत हुई, 1853 में, कहाँ कहाँ के बीच में हुई थी, मुंबई टू ठाणे महाराष्ट्र में हुई थी। राजस्थान में रेलवे की कब शुरुआत हुई थी, 1874, बांदीकुई से लेकर आगरा फोर्ट के बीच में। बांदीकुई आता है राजस्थान के दौसा डिस्ट्रिक्ट में, और आगरा आता है यूपी में। ओके, और रेलवे का राजस्थान में हेडक्वार्टर कित है, जयपुर में, और रेलवे जो आता है राजस्थान वाला, वो आता है हमारे नॉर्थ वेस्ट जोन में आता है। ठीक है, तो रेलवे किधर आता है राजस्थान का, राजस्थान वाला नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जोन में आता है राजस्थान, और राजस्थान में लगभग 6000 किलोमीटर के समथिंग रेलवे की लाइन है, और राजस्थान में जो रेलवे का सबसे बड़ा सेंटर है वो है जयपुर, और मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हुई थी आपको पता है जून 2015 में राजस्थान में। अब हम बात करेंगे रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में। रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, ये देख सकते हो, ये रिवर यहाँ डैम बना हुआ है, ठीक है, और डैम से यहाँ पर पानी छोड़ते हैं, तो रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये नर्मदा डैम प्रोजेक्ट है, ठीक है, ओके। तो राजस्थान के मेन रिवर वैली प्रोजेक्ट्स में आपको चंबल प्रोजेक्ट, माही बजाज सागर, बीसलपुर और सरदार सरोवर डैम, चार मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ये एक्सप्लेन दी मेन रिवर वैली प्रोजेक्ट्स ऑफ राजस्थान, तो आपको इन चारों के बारे में बताना है, ठीक है, चंबल प्रोजेक्ट, माही बजाज सागर प्रोजेक्ट, बीसलपुर प्रोजेक्ट और सरदार सरोवर डैम। जब भी इनके बारे में बताएं, तो आपको तीन चार चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। नंबर एक, कि ये प्रोजेक्ट किन किन स्टेट के बीच में, नंबर दो, किस रिवर पर बना हुआ है, और नंबर तीन, इस पर कोई इम्पोर्टेंट डैम है, और नंबर चार, इसका यूज जनरली सेम रहता है। दो तीन पॉइंट हैं आपको लिखने, यूज में एक तो बता देना, जनरली इरिगेशन में यूज होगा, नंबर दो, ड्रिंकिंग वाटर, नंबर तीन, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इनमें इसका यूज होगा। ठीक है, वन बाई वन देखते हैं। जब चंबल प्रोजेक्ट, तो चंबल कंबाइंड प्रोजेक्ट है किसका, राजस्थान का और मध्य प्रदेश की सरकार का।
चंबल पर चार डैम बने हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है गांधी सागर डैम जो कि मंडसूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, दूसरा है राणा प्रताप सागर जो कि चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, तीसरा है जवाहर सागर जो कि कोटा राजस्थान में, और चौथा है कोटा बैराज वो भी कहाँ पे, राजस्थान में। पर्पज यही है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जेन इरीगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, मतलब बिजली से पानी से बिजली बनाना। तो ये तो है चंबल प्रोजेक्ट के बारे में। इंडिविजुअल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन चंबल प्रोजेक्ट, तब भी आपको ये चार पांच पॉइंट लिखने हैं। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, माही बजाज सागर प्रोजेक्ट। माही बजाज सागर डैम बना हुआ है माही रिवर पर, फर्स्ट पॉइंट तो इंपॉर्टेंट हो जाता है माही रिवर पर। माही रिवर में ये कहाँ पर बना सिचुएटेड है, बांसवाड़ा में। इट इज़ द कम्बाइंड प्रोजेक्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात, राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार का कम्बाइंड प्रोजेक्ट है। पर्पज क्या है, पर्पज ड्रिंकिंग वाटर इरीगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। मूविंग फॉरवर्ड, तीसरा प्रोजेक्ट है बीसलपुर प्रोजेक्ट, ये सिचुएटेड है बनास रिवर पर। बीसलपुर किस पर है, बनास पर, ध्यान रखना ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन बीसलपुर विलेज, एक इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये बीसलपुर विलेज में, और बीसलपुर विलेज में भी कहाँ पर है, टोड़ा राय सिंह सिटी टोंक में, कहाँ पे, टोंक में ठीक है। और मेन पर्पज़ क्या है, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई करना, सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर, इसको सही कर लेना, सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर कहाँ कहाँ पर सप्लाई करते हैं ड्रिंकिंग वाटर की, जयपुर अजमेर टोंक। और याद रखने के लिए मैंने बताया था आपको जाट, जयपुर अजमेर और टोंक, ऐसे करके याद रख सकते हो बीसलपुर प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पानी सप्लाई कर रहा है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट, एक तो ये पहली बात नर्मदा रिवर पर लोकेटेड है, दूसरा कंबाइंड प्रोजेक्ट है चार स्टेट का, पहला गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, इन चारों का है। पर्पज वही सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर बाड़मेर और जालौर में, ये राजस्थान में दोनों, बाड़मेर और जालौर में पानी की सप्लाई करता है और इरीगेशन के लिए यूजफुल है। कौन सा, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट। तो ये हो गए हमारे चार रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। मूविंग फॉरवर्ड एंड What are the problems before small and cottage industries? छोटी और कॉटेज इंडस्ट्रियों के सामने क्या क्या समस्याएं हैं, ठीक है, हमारी जो इंडस्ट्री हैं छोटी छोटी उनके सामने हम क्या क्या समस्याएं फेस कर रहे हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन आया अभी तक, तो देख लेते हैं क्या क्या समस्याएं। नंबर एक, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी, पैसे की कमी, छोटी छोटी इंडस्ट्रियों के लिए एक्सपेंड करने के लिए मनी नहीं है, रॉ मटेरियल की कमी है, शॉर्टेज मतलब कमी, मार्केट बहुत लिमिटेड है, और जो गुड्स बनते हैं कंपनियों में जो प्रोडक्ट बनता है इनकी क्वालिटी कैसी है, सही नहीं है, शॉर्टेज ऑफ एनर्जी, सप्लाई की कमी रहती है, लाइट की कमी रहती है, कंपनी चल रही है लाइट चली जाती है बार बार तो प्रोडक्शन सही से हो नहीं पाता, लिमिटेड पॉसिबिलिटी ऑफ यूज ऑफ रेजिडुअल प्रोडक्ट, मतलब कंपनी में जो प्रोडक्ट बनते हैं वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको दोबारा से रिसाइकिल नहीं कर पाते, लिमिटेड प्रोडक्ट, लेक ऑफ रिसर्च, रिसर्च की कमी होती है, अब छोटी कंपनी है तो वहाँ पर रिसर्च कर नहीं पाते, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी अभाव है इनके पास। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं किसके सामने, स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। अगला है हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम, देख सकते हो मेक इन इंडिया मतलब भारत में बनाइए, कि आओ हमारे देश में एक इन्वेस्ट करो और पैसा लगाओ और देश में बनाओ सारी चीज़ें जो भी बनानी है। तो ये मेक इन इंडिया का सिंबल है भैया, इसको ऐसे दिखाते हैं ठीक है, मेक इन इंडिया, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये लॉन्च कर रहे हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम ठीक है। तो मेक इन इंडिया के बारे में जानते हैं, मेक इन इंडिया का मतलब है भारत में बनाओ ठीक है। इससे क्या होगा, इस प्रोजेक्ट के जरिए हम क्या कर सकते हैं कि यूजफुल जितनी भी काम की चीज़ें उनको कहाँ बनाएंगे, हमारे देश में बनाएंगे, और जो प्रोडक्ट बनेगा उस पर लिखा होगा मेक इन इंडिया, जिससे हमें गर्व फील होगा जब भी कोई चीज़ खरीदेंगे। तो आजकल ज़्यादातर हम क्या देखते हैं, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन जर्मनी, तो हमारा नाम नहीं दिखता तो बड़ा बेकार लगता है। और जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदे वो लिखा रहेगा मेड इन इंडिया तो एक अलग ही फीलिंग आएगी आपके अंदर ठीक है। तो एक अपने आप को क्या कराना, फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म, देशभक्ति की फीलिंग डेवलप करना, अगर आप स्वदेशी चीज़ें खरीदोगे तो देशभक्ति आएगी भाई अपने देश की, इसलिए कोशिश करो स्वदेशी चीज़ों को खरीदो, पतंजलि प्रोडक्ट, ताकि देश का पैसा देश के अंदर रहे ठीक है, बहुत ज़रूरी है, आपको इसको प्रमोट करना चाहिए ठीक है। ओके, तो यूजफुल थिंग्स अपने देश में बनाओ जो भी हैं, और फायदा अगला पॉइंट क्या है इसका, कि जो भी प्रोडक्ट बनेंगे उन पर क्या लिखा रहेगा, मेक इन इंडिया लिखा रहेगा ठीक है। जब इंडिया में ये प्रोडक्ट बनेंगे इससे और भी फायदे होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, अगर हम अपने देश में प्रोडक्ट बनाएंगे तो उनकी प्राइसेस हो जाएंगी लो, कम प्राइसेस हो जाएंगी, और देश की और राज्य की सरकार की इनकम बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि हम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो ये फ़ायदे हो जाएंगे। एज वेल एज मेक इन इंडिया प्रोग्राम से एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा भैया, इसको मत भूलो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट दूर होगा तो
गरीबी कम हो जाएगी, पॉवर्टी कम हो जाएगी और देश में खुशहाली आएगी। तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है। हमें तो बस इतना ही लिखना है, 4 मार्क्स का आएगा, राइट एसोट नोट ऑन मेक इन इंडिया। बढ़ाएं तो 1-2 पॉइंट और आप बढ़ा सकते हो। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, डोंट स्टॉप लर्निंग। और जिस दिन आपने लर्निंग करना बंद कर दिया, समझ लो आपने मरना स्टार्ट कर दिया। सो कीप लर्निंग और आराम से पढ़ो, टेंशन मत लो कुछ भी, ठीक है। एग्जाम परफेक्ट होंगे आपके। ऑल दी बेस्ट।